फ्रेंड्स, मैं ममता मित्तल। आज हम करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन का लास्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। इससे पहले हमने कौन सा मेथड किया था? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और इस मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में अगर हम सिमिलैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो भी आपको मिलेंगे। एसिडिक और बेसिक मीडियम में जैसे हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, वही मेथड हमने यहाँ पर यूज करना है। फ्रॉम डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास क्या है वो आप जब इसको करोगे तो आपको समझ आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। व्हाट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड? जैसा कि नाम से क्लियर है, नॉर्मली इस मेथड को तब यूज करते हैं जब आपके पास रिएक्शन में आयंस दिए होते हैं। एंड वन मोर टर्म, इस रिएक्शन को तब यूज किया जाता है जब आपके पास डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मींस सेम एलिमेंट की आपको एटलीस्ट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर दिए गए हों, या आप ये कह सकते हो कि सेम एलिमेंट अंडरगो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो उस समय इस मेथड के द्वारा बैलेंसिंग की जाती है। दैट इज वेरी इजी टू बैलेंस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बाय दिस मेथड। तो हम एग्जांपल ही डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की लेकर चलते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा आप उसको किस तरह से बैलेंस करोगे। तो लेट्स स्टार्ट विद वन एग्जांपल, जिसकी मैं स्केलेटल इक्वेशन लिख रही हूँ। वी हैव गिवन Cl2 OH नेगेटिव, विच रिप्रेजेंट इट इज मीडियम बेसिक। तो यहाँ पर बेसिक मीडियम है, इसे हमारे पास फॉर्म हो रहा है Cl नेगेटिव एंड Cl(O3) वन नेगेटिव। लेट सपोज ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। अब हमने इसको बैलेंस किस तरह से करना है? फर्स्ट स्टेप हमने लिख दिया, दैट इज राइट द स्केलेटल इक्वेशन। सेकेंड स्टेप बिल्कुल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की तरह कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑन द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट आपने मेंशन करना है। तो Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, OH नेगेटिव में O का -2, H का +1, ये तो अब आपको याद हो ही गया। Cl नेगेटिव तो सिंगल एलिमेंट है, जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जो सिंबल आपके पास शो किया हुआ है वही होगा, तो -1 एंड दिस केस Cl(O3) -1। तो यहाँ पर Cl को मैंने एक्स एक्सपोज किया, ऑक्सीजन आपको पता है -2 नॉर्मली प्रोसेस करती है, इक्वल टू व्हाट? -1। तो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +5। तो इस तरह से मैंने Cl का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लिया, +5। तो यहाँ डिसप्रोपोर्शनेशन में Cl2 जा रहा है, यहाँ पर उसकी रिडक्शन हो रही है और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन। तो हम रिप्रेजेंट भी करेंगे कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पर रिडक्शन हो रही है और वेल हाउ मच। तो यहाँ पर इसकी हमारे पास क्या हो रही है? दैट इज रिडक्शन, वो लिख देते हैं बाय 1, 0 से -1। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन बाय 0 से 5 है तो 5। पर यहां पर क्या है? Cl2 मतलब 2 टाइम्स प्रेजेंट है Cl, तो ये जो चेंज होगी ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी? डबल। तो यहां पर हम क्या रेफर करेंगे? टोटल इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो कितना हुआ है? 5 एक क्लोनिंग के लिए और 2 क्लोनिंग है तो कितना आ जाएगा? 10। सिमिलरली टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 फॉर 1 Cl एंड 2 फॉर Cl2। ये हमारे पास जो कैलकुलेशन आई है इट इज स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस। अगर हम कह रहे हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन में आपको पता है आपने क्या दिखाना होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर आपके पास क्या हुई है? रिडक्शन। तो रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स की गेन हुई है वो हमें यहाँ से मिलता है। तो अब हमने लिखना होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल, दोनों अलग अलग हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
वो बैलेंस, जिसमें हमारे पास क्या दिया गया है सीएल टू किसमें कन्वर्ट हो रहा है सीएल माइनस वन। क्लियर? तो यहां पर आपके पास बैलेंस करने के लिए एलिमेंट वही हीट एंड ट्रायल मेथड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने जो पहला ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड था उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस करना है। इनको हमने किस तरह बैलेंस करना होता है हीट एंड ट्रायल से। तो इसको मैंने बैलेंस कर दिया, ये हो गए बैलेंस, बट चार्ज बैलेंस नहीं हुआ, यहां पर जीरो है, यहां पर क्या है माइनस टू। वैसे भी रिडक्शन में हमने क्या रेफर किया है गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको सही तरीके से किस तरह से हम बैलेंस करेंगे लाइक दिस वन। क्लियर? नाउ इट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड वन। अब हमारे पास है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, उसमें हमारे पास क्या है सीएल टू इज कन्वर्टेड इन टू CLO3 माइनस वन। इसको नहीं लिख रही, वाई बिकॉज ये जब चाहिए होगा तब हम यूज करेंगे। हमने तो सिर्फ ये देखा कि कहां से कहां तक पहुंचा, ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, तो वही हमने मेंशन की। यहां पर हमारे पास बैलेंस कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पर टू, तो यहां पर भी CL टू टाइम ऑक्सीजन को अभी हम बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने रिप्रेजेंट हुए 10, सो वी राइट हियर इज 10 इलेक्ट्रॉन आर लॉस। ये आपको इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो आपने मेंशन करनी है। चलिए अब हमारे पास ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास सिक्स है। वट इज योर मेथड इन द बेसिक मीडियम, ऑक्सीजन बैलेंस के लिए हमने एड करनी है उतनी ही वाटर मॉलिक्यूल, सो वी राइट सिक्स वाटर मॉलिक्यूल हियर। अब हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल कितने रेफर किए हैं हमने सिक्स, यहां पर ऑक्सीजन सिक्स है, यहां पर भी सिक्स है, बैलेंस हो गई। लेकिन हाइड्रोजन यहां पर आपके पास 12 है, यहां पर नहीं है, तो हाइड्रोजन के बैलेंस के लिए भी हमने उतने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना होता है। एंड साइमल्टेनियसली ऑन द ऑपोजिट साइड हमने क्या रेफर करना है 12OH नेगेटिव। ये देखिए OH नेगेटिव अपने आप ही आ गए। क्लियर? तो अब हमारा ये बैलेंस है, सिर्फ हमने क्या करना है कि वाटर दोनों साइड नहीं होना चाहिए, तो इस वाटर मॉलिक्यूल को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, जिसके कारण 12 माइनस 6 आपके पास कितना रह जाएगा, दैट इज ओनली 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारा रिएक्शन जो है वो हम यहां पर लिख रहे हैं, हमारे पास क्या आ गया सीएल टू प्लस 12OH नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ टू सीएल ओ थ्री माइनस वन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग हो गई। एक हमारे पास ये बैलेंस हाफ रिएक्शन है और दूसरा हमारे पास ये वाला बैलेंस हाफ रिएक्शन है। परंतु अभी ये पूरा बैलेंस नहीं हुआ, क्यों नहीं बैलेंस हुआ, बिकॉज ऑफ इट्स अ इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं रख कर रही सिर्फ अपनी इक्वेशन जस्ट हम रख रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने शुरुआत कहां से की थी। क्लियर? तो हमारे पास अब बैलेंस करनी है इलेक्ट्रॉन्स को, तो दोबारा से लिख रहे हैं हम सीएल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ टू सीएल नेगेटिव, दूसरा है सीएल टू प्लस 12OH नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ टू सीएलओ थ्री माइनस वन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H2O। अब कुछ ऐसा करना है कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए, कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास ना बचे। यहां पर 10 है ऑन दिस साइड लेफ्ट साइड ऑन द रिएक्टेंट साइड, कितना रेफर किया गया है 2, तो कैसे बैलेंस करेंगे मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय द 5, इसकी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को एड अप करेंगे, क्योंकि तो हमारा रिएक्शन क्या है इसी को रिप्रेजेंट करता है, तभी हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड करके रिडॉक्स रिएक्शन पूरा होगा। तो 5 टाइम ये आ गया 5 और 1 6, तो ये हमारा आ गया 6Cl। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन 10 एंड दिस इज 10 कैंसल आउट। नेक्स्ट है 12OH नेगेटिव, इस तरफ 10Cl नेगेटिव, इट इज 2CLO3 माइनस 1 6H2O।
चेक करते हैं क्या ये हमारा बैलेंस हुआ या नहीं। तो 12 हमारे पास इस तरफ है, 12 क्लोरीन इस तरफ है, ऑक्सीजन 12, ये 6 और ये 6, 12, हाइड्रोजन इज 12 और यहां पर भी 12, सो दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इस तरह से आपके पास किसी भी तरह का न्यूमेरिकल पुट कर दे आप, सॉरी नोट न्यूमेरिकल, कोई भी इक्वेशन आपको दे दे आप उसको बैलेंस कर सकते हो। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।